कटिहार में बाढ़ बेजुबानों के लिए मुसीबत बन गई है। खेत खलिहान, निचले इलाके में पानी जमा होने से जहां हरा चारा नहीं के बराबर नसीब हो पा रहा है, वहीं सूखे चारे के आसमान छूती कीमतों ने मवेशी पालकों की कमर तोड़ डाली है। अब मवेशी पालक प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठा है कि प्रशासन मवेशी पालकों को सूखा चारा मुहैया करवाए। ये तस्वीरें कटिहार के बरारी प्रखंड के मोहना चांदपुर इलाके की हैं। हर चीज से ठीक है, लेकिन हम लोग को इस बांध पर 8-9 दिन से होने जा रहा है और हम लोग को पशु को खाने के नहीं है। पानी हेल कर हम लोग जाते हैं, सांप ने मतलब भूसा घर से फुफियाता होता है, हम लोग डर के मारे भाग जाते हैं। तो पानी से हेल डूब कर इधर से उधर से हम लोग सर घास लानते हैं, किसी तरह से हम लोग उसको खिला रहे हैं। चाहते क्या है आप लोग, सरकार क्या चाहते हैं? हम लोग को पशु का मिल के भोजन चाहिए, भूसा घास जो है मिलना चाहिए हम लोग। क्या नाम? श्री अनिल राम। इस इलाके में सैलाब ने तबाही का मंजर फैला रखा है। आबादी वाले इलाकों में पानी घुस जाने से लोग जहां परेशान हैं, वहीं मवेशियों को बमुश्किल खाना नसीब हो पाता है। मवेशी पालक जैसे तैसे पशुओं को सड़क किनारे बांध जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब मवेशी पालक प्रशासन से चारा की मांग कर रहे हैं ताकि किसी तरह मवेशियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। पशु बिल्कुल बिहार में पड़ा हुआ है, जो गरीबों का धन है एक पशु की मुश्किल से पालता है, वो भी बिल्कुल बिहार की स्थिति में है, क्योंकि पूरा बाढ़ ग्रसित इलाका ये है, हर जगह बाढ़ ही बाढ़, पानी पानी है, पशु चारा कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पशु जो है बिल्कुल खाना चारा नहीं मिल रहा है उसको। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सभी को सूखा चारा पशु को मुहैया करा जाए, ताकि मेरा मुरारी राम। सरकार हर साल बाढ़ आने के पहले आम लोगों की मदद के अलावा मवेशियों के लिए सूखे चारे का इंतजाम करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये बयां करती है कि ये इंतजाम केवल सरकारी फाइलों पर होता है। कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।